Welcome students, today we will start chapter number 15. I have explained some topics about this chapter. Our chapter name is probability. Now I am starting the exercise of this chapter. Before that I have given some idea about probability, that what is probability and what type of questions are put up from this chapter. So the first question of exercise 15.1, and the first question is, in a cricket match, a batsman hits 6 times out of 30 balls. एक क्रिकेट मैच होता है, वहां पे एक बैट्समैन है जो 30 बॉल्स में से 6 बॉल्स को हिट करता है. यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिडंट हिट ए बाउंड्री, कि उसने बाउंड्री हिट नहीं की, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो हम देखते हैं टोटल बॉल्स मींस टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 30. बाउंड्री वाले कितने हैं, 6. नॉट बाउंड्री वाले कितने होंगे, ऑब्वियसली 30 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 24. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बाउंड्री, मैंने आपको बताया था कि जितने हमारे फेवर में हैं अपॉन जितने टोटल हैं उनका रेशियो ही क्या होता है, 6 से डिवाइड कर दो, 6 4 24 और 6 5 30. दिस विल बी द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग ए बाउंड्री. इज दैट क्लियर? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, 1500 families विद 2 children. 1500 families का क्या किया गया है, एक डाटा कलेक्ट किया गया है 1500 families में से, कि 2 children किसके हैं, 1 children किसके हैं और 0 children किसके हैं. तो उसकी एक टेबल बनती है जो हमें दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड नंबर ऑफ फैमिलीज. देखिए 2 girls वाली फैमिली, 1 girl वाली फैमिली और 0 girls वाली फैमिली कितनी कितनी है, 4 7 5 8 1 4 एंड लास्ट वन इज 2 1 1. सब कुछ गिवन है, टोटल कितनी फैमिलीज हैं, 1500. अब हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 girls. तो देखिए 2 girl वाली फैमिली कितनी है, 4 7 5 और टोटल फैमिली कितनी है, 1500. तो यही इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 girl. तो 814 अपॉन 1500. थर्ड में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल का मतलब 0 girls. तो प्रोबेबिलिटी होगी 211 अपॉन 1500. इज दैट क्लियर? यू कैन कट देम फ्रॉम द सेम डिजिट, आप इनको कट कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो, इट डजेंट मैटर. नेक्स्ट है हमारा, रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 5, सेक्शन 14.4. तो हमें 14 चैप्टर का क्वेश्चन देखना है पहले. 14.4 सेक्शन में ये क्वेश्चन कोई दिया होगा, तो देखते हैं.
एग्जाम्पल नंबर फाइव. यस, और इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ क्लास वॉज बॉर्न इन अगस्त. आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त. तो आप देखिए पेज नंबर 247 पे दे रखा है ये एग्जाम्पल जिसके बारे में ये बात कर रहा है, वो एग्जाम्पल पेज नंबर 247 पे है. हम इसको सॉल्व करते हैं. टोटल स्टूडेंट्स हैं 40. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40. बॉर्न इन अगस्त, अगस्त में बॉर्न होने वाले कितने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं. अगस्त वाले हैं 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोर्न इन अगस्त, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो अगस्त में जन्म लेते हैं, 6/40. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है और उनके रिजल्ट्स आपको दे रखे हैं एक टेबल में. 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, टोटल कितने टाइम कितना किया गया है, 200 टाइम्स. अब वो बोल रहा है 3 हेड्स आते हैं, 2 हेड्स आते हैं. ये टेबल है आपकी, 1 हेड आता है और नो हेड आता है. 3 हेड कितने टाइम आए, 2 हेड आते हैं ये आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं. आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स विल बी, मैंने सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताया है, इन फेवर अपॉन टोटल. तो यहां लिखेंगे डाटाज इन फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा. इज दैट क्लियर. तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स क्या होगी, डाटा इन फेवर कितने हैं, 2 हेड्स वाले डाटा कितने हैं, 72. सो 72 अपॉन 200, इसको आप डिवाइड करोगे 36/100, तो आप लिख सकते हो 0.36. दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स. इज दैट क्लियर. तो हमें इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. यहां पे कोई टफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर इज वेरी इजी चैप्टर. सेम ये की यही चैप्टर जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं और जो अभी चल रहा है, सेम यही चैप्टर आपको 10th क्लास में मिलेगा 100%. 15 चैप्टर ही वहां पे है और 15 चैप्टर ही यहां पे है, तो आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज. सो टोटल फैमिलीज कितने हैं, 2400. ये हमारा 5th क्वेश्चन है. फिफ्थ में दे रखा है टोटल हैं 2400 फैमिलीज. ओके, नेक्स्ट इट इज आस्किंग दैट यहां पे सर्वे किया गया है इनकम लेवल का व्हीकल से. तो एक टेबल बना के दी गई है आपको, इधर तो लिख रहा है मंथली इनकम और इधर होगा नंबर ऑफ व्हीकल्स. अब जीरो वाले भी हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, 1, 2, 3 या अबव 2 लिख रखा है यहां पे कि 2 से ज्यादा जिसके भी पास हो. अच्छा, अब देखते हैं इनकम कितनी कितनी दे रखी है. तो इनकम देखिए लेस देन 7000, 7 to 10, 10 to 13,
13 to 16 और 16,000 और मोर, ये कुछ इनकम के टाइप्स दिए हुए हैं कि ये इनकम हो सकती है इनकी। आफ्टर दैट मैं डाटा लिख देता हूं, और 82। देखिए ये तो सब कुछ गिवन है, अब हम आते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट है हमारा अर्निंग होनी चाहिए 10,000 to 13,000। अर्निंग कितनी होनी चाहिए 10,000 to 13,000 एंड ओवनिंग एग्जैक्टली टू व्हीकल्स, और व्हीकल कितने होने चाहिए टू। तो देखिए अर्निंग तो होनी चाहिए 10 to 13 ये वाली लाइन, और व्हीकल होनी चाहिए 2, तो कौन सा नंबर आएगा 29। कितने हैं ऐसे लोग 29, तो इसकी आपको क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 29/2400 क्योंकि टोटल फैमिलीज कितनी है 2400। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड में हमसे पूछा है अर्निंग तो होनी चाहिए, अर्निंग रुपीज 16,000 एंड मोर, अर्निंग 16,000 से ज्यादा होनी चाहिए एंड एग्जैक्टली वन व्हीकल, और सिर्फ एक व्हीकल होना चाहिए, तो एक व्हीकल वाले कौन है ये रहे। तो हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल्स टू 579/2400। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्निंग शुड बी लेस देन 7,000, अर्निंग लेस देन 7,000 होनी चाहिए एंड डजंट ओन एनी व्हीकल, और एक भी व्हीकल होना ही नहीं चाहिए, तो लेस देन 7,000 ये वाली है, और एक भी व्हीकल नहीं, तो कितने हैं ऐसे लोग 10 तो 10/2400। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वो हमसे पूछता है अर्निंग शुड बी 13,000 to 16,000 एंड ओवनिंग मोर देन टू व्हीकल्स, दो से ज्यादा व्हीकल होने चाहिए, तो यहां आते हैं हमारे पास 25 persons। सो फोर्थ का हमारा आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 25/2400। इज दैट क्लियर। एंड द लास्ट वन इज ओवनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब व्हीकल्स का जो अर्निंग चाहे कितनी भी हो, व्हीकल्स जो हैं वो एक से ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। तो इस चीज के लिए हम बात करेंगे, देखिए एक से ज्यादा कहां नहीं होंगे भाई, जीरो वाला तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो मैं लास्ट वाले पार्ट के लिए जीरो को, तो सॉरी एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब ये तो ऑप्शन में ही नहीं है हमारे में, एक से कम हो जाए तो चलेगा या एक हो जाए तो चलेगा, अर्निंग से भी हमें कोई मतलब नहीं है फिफ्थ वाले में, क्योंकि फिफ्थ में हमें सिर्फ एक लाइन बोली है व्हीकल शुड बी लेस देन वन, व्हीकल एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब एक से कम होने चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो इतने इंसिडेंट बन रहे हैं हमारे, सबको प्लस करो 10, 19, 28, 8 और 11, 17 और 7, 24, 3, 3, 6, 5, 11, 15, 20, तो 2048 तो ये हो गए, है ना भाई। अच्छा और आगे बात करते हैं 2048 और इन वालों को और हम प्लस कर देंगे तो कितने हो गए 2058, 59, 61 और 62, तो कितने व्हीकल्स हैं 2062, क्योंकि देखिए ये है और ये भी तो वन से कम वाले ही है, तो 14 और प्लस कर दो तो कितने आ गए 2062,
तो लास्ट वाले में होगा 2062 अपॉन 2400, इनको 2 से डिवाइड करोगे तो 1031 अपॉन 1200। ये आपके क्या होंगे, आंसर्स होंगे जो कट सकते हैं, आप उनको इजीली काट सकते हो। ठीक है भाई, अब है नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। रेफर टू टेबल नंबर 14.7। टेबल नंबर कौन सी पे जाना है, 14.7। तो चलते हैं टेबल नंबर 14.7 पे। सिक्स क्वेश्चन के लिए टेबल है 14.7। 14.7 टेबल में क्या दे रखा है, 14.7 टेबल मिल चुकी है। इसमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। पहली बात तो ये वाली टेबल है पेज नंबर 251 पे, तो बोल रहा है लेस देन 20% मार्क्स। देखिए 0 टू 20 के कितने हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी होगी लेस देन 20 वाले में। टेबल में आप देखोगे तो 7 स्टूडेंट्स हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ये भी चेक कर लीजिए, उसी टेबल से हमें पता चलेगा। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, नाइन्टी, तो 7/90 हो जाएगा। इसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबो। इसकी तो हो गई ये, सेकेंड में पूछा है 60 और अबो। तो देखिए वहां आप टेबल देखोगे ना, 16 टू 17 में तो है 15 स्टूडेंट और 70 और अबोव में है 8, तो ये दोनों टोटल होंगे क्योंकि ये भी तो 60 से ज्यादा है, तो कितना आएगा 23। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 23/90। ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाएगा। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सेवंथ के लिए। एक ओपिनियन है जिसमें लाइक और डिसलाइक पूछा गया है कि कौन चीज को लाइक करता है कौन डिसलाइक करता है। तो लाइक वाले हैं 135, डिसलाइक वाले हैं 65 और टोटल है आई थिंक 200। टोटल कितने हैं 200। अब सारे क्वेश्चन इजी हैं, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक क्या हो जाएगी, 135 अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक क्या हो जाएगी, 65 अपॉन 200। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्थ। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 14.2। हमें चलना है कहां पे, एक्सरसाइज 14.2 और इसका भी क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं पहुंच जाता हूं सीधे एक्सरसाइज 14.2। आपको इसमें बुक की नीड पड़ेगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पिछले एक्सरसाइज के दिए हुए हैं, तो वो हमें चेक करने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने भी। देखिए हमसे पूछा गया है 40 इंजीनियर्स वाला है कि उनके घर से कितना डिस्टेंस है, इस चीज के लिए आपसे पूछा है लेस देन 7 किलोमीटर, तो आप काउंट कर लोगे कि 7 से कम वाले कौन कौन हैं। ठीक है भाई, तो 7 से कम वाले आपको काउंट करने कि 7 किलोमीटर से कम में कौन कौन आ रहा है। मैं बता देता हूं आपको, देखिए टोटल तो है 40 इंजीनियर्स और 7 से कम वाले लेस देन 7 किलोमीटर वाले हैं 9 इंजीनियर्स, मोर देन 7 के लिए फिर कितने बचे 31 इंजीनियर्स। आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7, तो हो जाएगी 9 अपॉन 40,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 7 तो हो जाएगी 31/40। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड थर्ड हमारे पास पूछा गया है विद इन हाफ किलोमीटर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विद इन हाफ किलोमीटर क्या होगी? 0, क्योंकि हाफ किलोमीटर से कम में कोई है ही नहीं। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 9 और 10, विच आर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये हमें करने ही नहीं है, ना एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, एक्टिविटी हम करते रहेंगे। अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11 बैग्स ऑफ वीट, 11 बैग हैं जिनमें क्या है? वीट है। क्वेश्चन नंबर 11 है और बैग भी कितने लिए हैं? 11 ही लिए हैं। एक बैग में कितना वेट है वो दिया हुआ है, 4.97, 5.05, 5.08, आगे 5.03, 5.00 एंड आफ्टर दैट 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 और 5.00। ये 11 बैग्स हैं, 11 बैग्स हैं, इनमें वीट भरा हुआ है। पूछा है आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बैग, उस बैग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विच हैव मोर देन 5 kg, 5 kg से ज्यादा फ्लोर। तो एक तो इसमें है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 kg विल बी 6/11, क्योंकि टोटल बैग्स कितने हैं? 6 है, सॉरी 11 है, और 5 kg से मोर वाले कितने हैं? 6 बैग्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखना है। देखिए 12th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 5 और रेंज बताई गई है 0.12 से 0.16 वाले जो सल्फर ऑक्साइड के पार्ट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल डेज हैं 30 और 0.12 to 0.16 के आप कैलकुलेट उसमें से काउंट करोगे तो हमारे पास, मैं काउंट कर लेता हूं एक मिनट, जो आप काउंट करके देखोगे कि 0.12 से लेके, सॉरी 0.12 बोलते हैं इसको, कभी भी 12 नहीं बोलते, 0.12 से लेके और 0.16 तक कितने बैग्स हैं। तो 0.12 से लेके 0.16 तक हमें मिलते हैं ओनली 2 बैग्स आर देयर, 2 डेज है, सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है इसकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी? 2/30 यानी कि 1/15। यही हमारा 12th क्वेश्चन का आंसर होगा। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन है हमारा 13, विच इज सेइंग दैट एक्सरसाइज 14.2 और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा करना है? 1, जहां पे शायद ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन है, ये आपने किया भी होगा 14 में। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखो और ए बी ब्लड ग्रुप होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप ये पूछा है आपसे भाई, ठीक है। तो हम ए बी के लिए काउंट करते हैं। पहली बात तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। ए वाले हैं 9,
बी वाले हैं सिक्स, ओ वाले हैं ट्वेल्व और ए बी वाले हैं थ्री. इट इज आस्किंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप. तो ए बी ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी होगी 3/30, जिसको हम लिख सकते हैं 1/10 या फिर 0.1, कैसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो. सो इट वाज अवर चैप्टर नंबर 15 जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो हमारे कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आफ्टर दैट 12, 13, 14 एंड 15, 9 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. इसके बाद हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड और थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड हैं. तो वो हम अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस, जो जो थ्योरम्स आपके सिलेबस में है सिर्फ हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके अलावा हम और थ्योरम्स पे ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं टेंथ के लिए. जो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैं डेफिनेटली आपको करवा ही दूंगा, वो हम छोड़ेंगे ही नहीं. तो नेक्स्ट हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा. तो आप प्लीज़ वीडियोस को देखते रहें कंटिन्यूअसली एंड अपना वर्क भी कंप्लीट रखें. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.